सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हमारी किचन को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी किचन में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलाकंद कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस कलाकंद के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि और तरह की बर्फियाँ जमाने के लिए आपको मावा की आवश्यकता होती है। इसमें आपको मावा की भी आवश्यकता पूरी तरह से नहीं बनाना, थोड़ा सा बनेगा तभी आपको चीनी वगैरह डाल के तैयार कर देना है, तो ये फटाफट से बन जाता है। देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 1.5 किलो दूध डाल लिया है। अब दूध को उबलने देंगे। देखिए, हमारा दूध गाढ़ा हो चला है, इस तरह से आपको कर लेना है, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, इसको चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे ना चिपक जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर देना, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। देखिए, ये हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। ये हमने 300 ग्राम के करीब चीनी ली है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जिस हिसाब से आप मीठा खाते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हम ये थोड़े काजू डाल देंगे और पिस्ते भी डाल देंगे थोड़े, और ये बादाम भी हमने कट करके डाल दिए हैं, और ये इलायची पाउडर भी डाल दिया है। सभी को अच्छे से ऐड कर देना है इसमें। आपको मालूम तो है ही, बिना ड्राई फ्रूट्स के बर्फियां पसंद नहीं आती हैं। अब देखिए, इसमें हमने प्लेट में घी लगा लिया है थोड़ा सा, और इसको डाल देंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से भी डाल देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए भी रख देंगे। अभी हमारा कलाकंद तैयार है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।